इसलिए मैं ही गिर रही। यहाँ देख, नहीं ऐसा नहीं है गाइस, ये झूठ बोल रही है। ले बढ़िया हो रहा, कुछ नया सा हो रहा। बाय बाय। गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू हर्षिस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोग कभी रात लो सुकाश में ऐसी वीडियो बना रहे हैं, और जैसा सभी को पता है संडे, और आज होगा संडे स्पेशल। तो देखते हैं आज मम्मी क्या बना रही है। और फिलहाल पूजा कर करके आ चुकी हूँ मैं, और अब देखते हैं मम्मी नाश्ते में क्या बना रही है। अभी चाय पानी वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो चलो चलते हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं। चलो। 2000 years later। सो फैमिली, फाइनली अभी एक चीज़ मैंने बनाई है। तो सब्जी रोटी तो मम्मी ने पहले बनाई थी, क्योंकि भैया सुबह चल जाता है 6 बजे, तो उसके लिए तो बरी रखी थी, तो वो तो बरी रखा था। संडे था तो मम्मी ने कहा कुछ वैसे बना रहे थे, क्योंकि दिन में आज हमें कुछ बनाना है। मतलब मैंने ना कोई चीज़ सोची है बनाने की, अभी मैं फिक्स नहीं हूँ, बट बनाऊँगी तब तो आप लोग को दिखाऊँगी। फिलहाल तो अभी मैंने थोड़ी सी स्पाइसी मैगी बना रखी है, बढ़िया सी, आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ देखो, अभी ये बन रही है और इसमें सब्जी बनी हुई है, इसको बनने थे फिर आपको दिखाते हैं। सो फैमिली, यहाँ देखो मैगी रेडी हो चुकी है, और ये है मशरूम की सब्जी, इसमें है दही और इसमें रोटी। और यहाँ मम्मी और मैं ही खा रहे हैं अभी, क्योंकि पापा भैया सुबह चले गया था, पापा भी जा चुके हैं मीटिंग में, एंड मम्मी हमें यहाँ पर खा रही है। मैगी आपने टेस्ट कर ली मम्मी? कैसी हो रही? देखा, निक इज द ग्रेट। हम डाइटिंग में है, पर यहाँ देखो क्या बन क्या रहा है। देखो ये अभी अभी ऑफिस गए थे सुबह, और ये आ चुके हैं हाफ डे लेके, और सिर्फ किस लिए? मैं ही गिर। यहाँ देख, नहीं ऐसा नहीं है गाइस, ये झूठ बोल रही है। इसने मेरे को बोला था कि हम ब्रह्मास्त्र मूवी देखने जाएंगे और मैं पैसा दूंगी। नाइस जॉक, नाइस जॉक, नाइस जॉक। सो यहाँ देखो, वैसे और खा पी कितनी रहा भैंस, हम सब ने दो खाई, पूरा पैकेट इनके पास था, इन्हें दो ही खाई है, दो ही खाई हमने। देखो इसको, ये है डाइटिंग वाले लोग, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो फैमिली, फाइनली सारे काम तो हो चुके हैं, और अभी ये सबसे बड़ा काम करना है, जो कि है अभी अपने चीमू को नहलाना है, डॉगी को नहलाना है, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया नहलाया भी नहीं है। फिर कल फास्ट होता है, तो कल फास्ट होगा तो फिर वैसी हिम्मत नहीं आती है। तो मैंने सोचा संडे को क्यों ना इसको भी नहला दिया जाए। अब बाहर हो चुका है मौसम पूरा ख़राब, तो थोड़ा सा पानी गर्म करने रखा है, फिर उसके बाद उसको नहलाते हैं। क्योंकि आपको आप लोगों को मौसम दिखाते हैं, बारिश आने वाली है, मौसम हो चुका है पूरा ख़राब। देखो आप, तो यहाँ देखो पूरे काले बादल आ चुके हैं, मौसम हो चुका है पूरा ख़राब। अब वहाँ पर देखो आपको गाय दिख रही है, यहाँ पर गाय माता भी है। सो ये हो रहा है पानी गर्म, अभी गर्म होने के बाद चुमू को नहलाएंगे, और इससे नहलाएंगे हम नीम प्लस से, क्योंकि ये वाला शैम्पू ना, अगर किसी के पास ऐसी चाइनीज़, हमारे चाइनीज़ ब्रीड है ना इसकी, तो अगर किसी के पास ऐसा होगा तो ये वाले शैम्पू को यूज़ करना है, काफ़ी अच्छा है। वैसे मतलब मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ आप लोग को, ये काफ़ी अच्छा है, मैंने और भी यूज़ करे, बट ये वाला बहुत अच्छा है। सो फैमिली, फाइनली बाहर हो रही है बहुत ही तगड़ी बारिश, जबरदस्त बारिश हो रही है बाहर। नहीं तो मैंने सोचा था कहीं जाएंगे, क्योंकि संडे था, नहीं तो बाहर बारिश हो रही है तो कहीं जा तो सकते नहीं। सो अभी मैं बना रही हूँ चिल्ले, और वो नॉर्मल चिल्ले नहीं है, तो उसमें स्टफिंग वाले चिल्ले होते हैं, जो तो बेसन के चिल्ले होते हैं। सो अब बना के दिखाती हूँ, ऐसे मैं बता भी नहीं पाऊँगी। सो ये मेरी मम्मी ऐसी ऊपर जाए कि ऐसा हम बना सकते हैं, बना भी सकते हैं ऐसा, हम तो बनाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सो जिसे स्टफिंग होगी उसको मैंने आलू बॉईल करे थे, और बॉईल करने के बाद इसको मैंने ऐसे काट रखा है। ये एक प्याज है जो मैंने बारीक चॉप्ड कर रखा है, लहसुन, और ये हरी मिर्च, और इसको बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे जीरा, नॉर्मल जैसे हम आलू का भरता बनाते हैं। ये हो चुका है, और इसमें हम डालेंगे मिर्च जो अपना, और लहसुन कटा हुआ, और प्याज, सब कुछ डाल दिया इसमें। तो ये तो हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे आलू जो हमने काट रखे हैं, और इसको ऐसे मिक्सअप करेंगे, हल्की आंच में डालना, ठीक ठाक ही डालना, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, ऐसे ऐसे मिक्सअप कर देंगे। सो फैमिली, हमारा आलू का पेस्ट तो बन रहा है, तब तक हम बेसन डाल लेते हैं, और अपने हिसाब से जितना आप बेसन का चिल्ला आपको खाना हो, जितने लोग होंगे उस हिसाब से, तो इतना तो मैंने डाल दिया इसमें, और अगर कम पड़ेगा तब फिर डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही डाला है। तो इसमें हम थोड़ा सा
ज़्यादा तो नहीं डालेंगे क्योंकि हमने आलू के पेस्ट में डाला था, इसमें हम थोड़ा सा ही डालेंगे नमक। धनिया बारीक बारीक काट दिया और धनिया को इसमें डाल देंगे। इसमें नमक और धनिया ही डालेंगे क्योंकि हमने और चीज़ हमने अपनी स्टफिंग में डाल रखी है, जो हमने स्टफिंग बना रखी है उसमें डाल रखा है, इसलिए हम इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट हम इसमें पानी डालेंगे, इसको ऐसे मिक्सअप कर देना पूरे धनिया को अच्छे से इसमें, और फिर इसके ऊपर हम इसमें तो आप देखो इसकी इतना ही ऐसा बन चुका है। इसको ऐसा बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ये इतना ताकि इजीली वो आराम से फैल जाए। तो ये बन चुका है, इसको आप बनाते हैं। सो ये देखो ये आलू का भरता बन चुका है और इसको मैंने दूसरी प्लेट में खाली कर दिया। ऐसे फैला देना और थोड़ा सा ऐसा उसको तो चम्मच से मैश कर लेना ताकि ईजिली ठंडा हो जाए। और ये बेसन रेडी है, इसको हम बनाते हैं। ये तो हो चुका है, मैंने कटोरी में लिया है थोड़ा सरसों का तेल, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे एक चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा बेसन का, थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे फिर डालेंगे। और ऐसा करने के बाद इसको ऐसा पूरा फैला देंगे ताकि इजीली पूरा सो गोल शेप में आ जाए। और इसको मीडियम फ्लेम में ही रखना ताकि ये जले ना और आसानी से बन जाए। अभी इतना एरिया इसका पका है, इतना एरिया अभी नहीं पका है। थोड़ा थोड़ा जहाँ पर आपको लगे कि यार यहाँ पर कम हो रहा है वहाँ पर ऐसे करके आप डाल सकते हो। तो इसको हम ऐसे पलटा लेते हैं, थोड़ा सा उस साइड से भी पका लेते हैं उसे, तो उस तरफ से ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, तो इसको हम ऐसे पलटा लेते हैं। हल्का हल्का हमें पका चुका है, अब हम इसमें अपनी स्टफिंग डालेंगे जो हमने बनाई है। पूरा ऐसे फैला देना इसको। ऐसे करके और फिर इस साइड से हम इसको ऐसे पलटाएंगे। ऐसे और ऐसे इसको प्रेस करेंगे। सो ये हमारी सर्विंग प्लेट रेडी हो चुकी है ऐसे करके, इसमें पूरा है, तो इसको टेस्ट कराते हैं फिर देखते हैं कैसा हो रहा है। भाई लो टेस्ट करो, लो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बोलो। मम्मी को करा टेस्ट, मैंने नहीं खाना भाई, मैं नहीं खा रहा। खाओ ना। ना मैं नहीं खा रहा, टेस्ट करो। वैसे वो चिल्ला नहीं है, वो नॉर्मल वाला अलग वाला है वो। तो बीमार पड़ना है क्या? हाँ कोई बात नहीं सारा, फिर कहेंगे फिर मेरे को बदनाम करेंगे, ये खिला रहे वो खिला रहे। ये उसमें तो नहीं बना रहे ना, तवे में स्टीम में तो नहीं बना रखा, तवे में बना रखा भाई। तो नॉन स्टिक वाला नहीं खाऊंगा मैं। हाँ ये तो खा लेने बढ़िया हो रहा, कुछ नया सा हो रहा। डोसा है ये, हाँ। सो फाइनली फैमिली मेरा भी बन चुका है और इसके अंदर स्टफिंग कर चुकी है पूरे अच्छे से, और सॉस के साथ मैं भी खाती हूँ, आप लोगों को बता दें कैसा हो रहा है। सो मम्मी टेस्ट करिए फिर मम्मी बताएगी। एक्चुअल में जो सही बताता है मम्मी बताते हैं कि हम लोग तो ऐसे ही ठहरे अर्गल में, धूप पड़ी आपके आधे मुँह में, आधे मुँह में धूप भी नहीं पड़ी। कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा। वैसे वो सिंपल वाले से अच्छा हो रहा होगा नहीं? तो हमें खाते हैं। सो फैमिली मैं भी टेस्ट करके देती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को कैसा हो रहा है एक्चुअल में। अच्छा हो रहा है, जैसे नाश्ते के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो स्नैक्स वगैरह खाते ना उस टाइम पे बना सकते हो इसको, एक एक खाओ सफिशियंट है। वो स्पेशली संडे के दिन, और दिन तो क्योंकि और दिन तो वैसे ही होता है सब ऑफिस वगैरह होता है, संडे के दिन आप लोग बना सकते हो और काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लोग कुछ लोग तो इसमें शायद पनीर पुनीर भी डालते हैं, मैंने कहा आलू की स्टफिंग बनाते हैं उसे बनाते हैं, लेकिन गजब हो रहा, गजब। चिमू सेठ कैसे बैठता है सोफे में, इसको बताइए मेरी गद्दी है ना चिमू, ले यहाँ देखो दूसरी सेठानी आप बैठी है। पहला सेठ तो चिमू है।
सो फैमिली आज छत भी पूरी भर रखी थी और एक्सरसाइज तो आज कमरे के अंदर ही हुई, मतलब बरामदे में कर रखी थी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है और व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है। तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, ठीक है। आज वाली जो रेसिपी हो कैसी लगी सब कमेंट करके बताना मेरे को। बाय बाय।